तो दोस्तों, आज गाड़ियों में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो केवल लग्जरी नहीं, एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत बन चुके हैं। इनमें से एक है आपका सनरूफ का, और सनरूफ में भी अब पैनारोमिक सनरूफ आ रहे हैं लगभग लेटेस्ट सभी गाड़ियों के अंदर। और मार्केट में केवल एसयूवी की बात नहीं है, चाहे वो सेडान हैं चाहे हैचबैक हैं, अब सभी के अंदर, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, सभी के अंदर आपको सनरूफ के फीचर्स मिलने लगे हैं पैनारोमिक सनरूफ जैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैचबैक सेगमेंट में होंडा की जैज ZX, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 8.79 लाख से। और मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें, और बात करें अगर हम CVT ट्रांसमिशन की, तो 9.79 लाख से जाता है CVT ट्रांसमिशन। तो इसमें भी आपको मिल जाता है पैनारोमिक सनरूफ का फीचर्स, बहुत ही शानदार गाड़ी है और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स के साथ अवेलेबल होती है। और इसके बाद है सेकंड हुंडई की i20 एस्ट्रा ऑप्शनल, 9.20 लाख से प्राइस स्टार्ट होता है 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 10.6 लाख डीजल वेरियंट्स इसका मिल जाता है। और i20 DCT एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऑटोमेटिक में भी मिल जाती है, 11.18 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। और इसके अलावा अब बात करते हैं सब 4 मीटर क्रॉस एसयूवी की बात करते हैं, जैसे कि टाटा नेक्सॉन का आप जानते ही हैं मिल जाता है। इसमें भी अब सनरूफ का फीचर्स मिलने लगा है, 8.36 लाख से स्टार्ट होता है मैनुअल ट्रांसमिशन, 8.96 लाख से इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद एक और शानदार गाड़ी है जो है आपकी हुंडई की वेन्यू, तो वेन्यू के अंदर भी अभी ऑप्शंस मिलता ही है सनरूफ का टॉप वेरिएंट्स पर जाकर। इसके अलावा अगर आप महिंद्रा की गाड़ियां पसंद करते हैं, तो महिंद्रा की XUV 300 9.40 लाख से प्राइस स्टार्ट होता है, 9.70 लाख तक जाता है प्राइस, और इसमें भी आपको मिल जाता है पैनारोमिक सनरूफ का फीचर्स। इसके अलावा होंडा की एक और गाड़ी ऐसी है जो आपकी WRV 9.75 लाख से प्राइस स्टार्ट होता है, और इसमें आपको मिलता है सनरूफ का फीचर्स। या फिर आप देखते हैं हुंडई की वेन्यू SX 9.86 लाख से प्राइस स्टार्ट होता है। इसके अलावा न्यूली लॉन्च किया सोनेट को तो आप जानते ही हैं कि या सोनेट में 9.99 लाख यानी अप्रॉक्स 10 लाख से प्राइस स्टार्ट होता है, और इसमें भी आपको पैनारोमिक सनरूफ का फीचर्स मिल जाता है। इसके अलावा फोर्ड द्वारा इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम में भी फीचर्स को ऐड किया गया है, बिल्कुल ऑल न्यू फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम वर्जन जो लॉन्च किया गया है 9.79 लाख में। अब चलते हैं थोड़ा मिड से एग्जीक्यूटिव रेंज की तरफ, जैसे हुंडई वर्ना आ जाती है, तो हुंडई वर्ना पेट्रोल में 10.78 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। हुंडई सिटी, होंडा सिटी की VX है या ZX इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ अवेलेबल होती है, और हुंडई की वर्ना डीजल 12.13 लाख में ये आपको मिल जाती है पैनारोमिक सनरूफ के साथ में। हुंडई एलेंट्रा ऑटोमेटिक, इसमें भी आपको सनरूफ का फीचर्स मिल जाता है। एस्कोडा सुप्रैब मैनुअल ऑटोमेटिक लेते हैं या मैनुअल लेते हैं, पैनारोमिक सनरूफ आपको मिलता है, 29.99 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। और मिड एसयूवी रेंज की अगर बात करें, तो हुंडई क्रेटा SX पैनारोमिक सनरूफ के साथ मिलती है 13.57 लाख में। इसके अलावा किया सेल्टॉस STX प्लस डीजल GTX प्लस पेट्रोल 15.59 लाख से स्टार्ट होती है। इसके अलावा महिंद्रा XUV 500 W9 या W11 जो भी आप पसंद करते हैं 15.88 लाख से स्टार्ट होती है, सनरूफ का फीचर्स इसमें मिल जाता है पैनारोमिक। इसके अलावा MG Hector में पैनारोमिक सनरूफ मिलता है 16.16 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। इसके अलावा आप जानते ही हैं हैरियर को अपग्रेड करने के बाद इसमें भी पैनारोमिक सनरूफ का फीचर्स मिलने लगा है 17.3 लाख से। टाटा सफारी बिल्कुल न्यूली लॉन्च टाटा की 7 सीटर, और इसमें 18.25 लाख से प्राइस की बात करें तो आपको सनरूफ का फीचर्स मिल जाता है। जीप कंपास लिमिटेड प्लस या हुंडई कोना, इसमें आपको दोनों में ही मिल जाता है सनरूफ का फीचर्स। इसके अलावा MG की इलेक्ट्रिक सेगमेंट की गाड़ी ZS EV पैनारोमिक, इसका ही सनरूफ इसमें भी मिलता है 23.88 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। इसके बाद आती है MG की 7 सीटर MG Hector प्लस पैनारोमिक सनरूफ के साथ में 17.39 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। या फिर किया कार्निवाल है ड्यूल पैनारोमिक सनरूफ पैनल मिल जाता है, गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है और 28.95 लाख से प्राइस स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, बिल्कुल ये फैक्ट्री फिटेड जो सनरूफ आते हैं बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं, तो आप इनमें से चाहें जिस भी गाड़ी को पसंद कर सकते हैं। और इस समय जैसे हमने आप वीडियो के स्टार्टिंग में बताया,
मैनी वेरिएंट्स और मैनी वेरिएंट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, चाहे आप देखते हैं उसमें देखते हैं बिल्कुल हैचबैक सेगमेंट देखते हैं, या इसके अलावा आप देखते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट या सेडान सेगमेंट। अब बहुत सारे सेगमेंट के अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आपको इनमें से कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए। इसके अलावा अगर आपको ऑटोमोबाइल्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में लिखकर उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और डेली मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ, सड़क पर रखिए सेफ्टी का ध्यान, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड स्पीड इज़ द सेकेंड। नमस्कार दोस्तों।